अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि दी लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसने दुनिया भर में धूम मचा रखी है और बहुत ही खूबसूरती के साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को उसने अपने शानों पर उठा लिया है। 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए का छक्का मार चुकी है ये फिल्म अब तक, और विकिपीडिया के मुताबिक अब तक की सबसे ज्यादा महंगी और सबसे ज्यादा कामयाब और करोड़ों का बिजनेस करने वाली पाकिस्तान की पहली फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में मौला जट और नूरी नत के किरदारों ने बहुत ज्यादा शोहरत पाई है और इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। विकिपीडिया के मुताबिक 2018 में जवानी फिर नहीं आनी फिल्म ने 70 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। लंदन नहीं जाऊंगा में 55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया गया और पंजाब नहीं जाऊंगी इसने 51 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद अली जफर की तीफा इन ट्रबल ने 50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। जवानी फिर नहीं आनी ने 49 करोड़ का बिजनेस किया और उसके बाद परवाज है जुनू का नंबर आता है, इसने 45 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। यानी अब तक की कामयाब फिल्मों में अब जो दी लेजेंड ऑफ मौला जट है वो नंबर 1 पर आ चुकी है। महंगी तरीन फिल्म है, कामयाब तरीन फिल्म है और करोड़ों का बिजनेस करने वाली टॉप मूवी है।